स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, जो ये आपका गुड न्यूज है, जो आपका इस चैनल से जुड़ करके आप लोग जैसी ECEB जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है आपका झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या को वीडियो बना रहे हैं, जो आपका जो भी स्टूडेंट्स PECE जिसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, PECE पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपका झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपका है JCECEB, जो आपका जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, इसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल से जुड़ करके आप झारखंड पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो आपका ये आपका इंफॉर्मेशन वीडियो है, जो आपका सबसे पहले यह वीडियो में आप लोगों को सिलेबस से अवगत करा देते हैं, जो झारखंड पॉलिटेक्निक का सिलेबस है क्या। देखिए, PECE जो आपका है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है, जो आपका इसको क्लियर करने पर या इसको पास करने से आपका इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में आपका एडमिशन होता है। जो आप लोग आप सभी जो भी स्टूडेंट्स जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो डेट था झारखंड पॉलिटेक्निक का, इसका झारखंड पॉलिटेक्निक का जो 2023 जो है झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट था आपका 27 फरवरी से आपका 10 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट था। जो भी स्टूडेंट्स झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 का फॉर्म भर दिए हैं, उसके लिए यह चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैनल से जुड़ करके आप सभी स्टूडेंट्स का जो है वो भविष्य उज्ज्वल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक का जो प्रिपरेशन भी कराया जाएगा, क्योंकि अभी आपके लिए समय है, झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम का समय आपका संभावित डेट है, यानी आपका 30 अप्रैल बता रहा है आपका, यह डेट कंफर्म नहीं है, यह बढ़ भी सकता है या फिर हो भी सकता है। तो आप मान के चलिए अटेंटिव डेट है आपका, अटेंटिव डेट क्या है, अप्रैल आपका 30 अप्रैल है आपका अटेंटिव डेट, कि 30 अप्रैल को आपका यह एग्ज़ाम हो सकता है, मे बी है, अटेंटिव डेट है 30 अप्रैल। जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 का फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम का डेट है 30 अप्रैल 2023 को संभावित डेट है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर जुड़ करके आप सभी स्टूडेंट PECE यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी आप कर सकते हैं, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपका 2023 का जो फॉर्म भरा है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो आप सभी को बता देते हैं, इसके लिए जो सिलेबस है आपका, सिलेबस आप जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या रहता है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ये आपका सिलेबस का डिटेल आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका सिलेबस का डिटेल है आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपका इसमें 3 सब्जेक्ट आपका होता है, एक आपका फिजिक्स होता है, दूसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होता है, तीसरा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होता है। इसमें जो फिजिक्स में जो आपका क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन होता है, और इसका मार्क्स भी क्या होता है, 50 नंबर होता है, यानी एक क्वेश्चन में आपका एक नंबर दिया जाता है। तो फिजिक्स से आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और केमिस्ट्री से भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 मार्क्स भी दिया जाता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, और मैथमेटिक्स में भी आपका 50 क्वेश्चन रहता है, और इसके लिए भी क्या है आपका 50 मार्क। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका है PECE जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है, ये आपका सिलेबस है। फिजिक्स में आपका 50 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स, केमिस्ट्री में आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो इस तरह से आपका 150 क्वेश्चन हो गया, कितना हो गया, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स।
तो टोटल आपका हो गया 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। तो इसमें आपको ये आपका इसके लिए एग्ज़ाम का टाइम का जो ड्यूरेशन होता है आपका टू आवर 30 मिनट, यानी 2 आवर 30 मिनट आपका इसका टाइम रहता है, यानी 2.5 घंटा समय दिया जाता है। 150 क्वेश्चन में आपका 150 नंबर दिया जाता है और 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है। आप सभी सिलेबस आप जान गए, इसमें 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और प्रत्येक विषय से 50-50 क्वेश्चन और 50-50 नंबर का एग्जाम होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 और कुल मार्क्स भी 150 ही होता है। इस तरह से इसका 2.5 घंटा का समय दिया जाता है, और जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा को पास कर जाते हैं जिसके बाद उसका झारखंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और आपका इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा कोर्स है उसका पढ़ाई कराया जाता है झारखंड सरकार फ्री में, और आप उससे आप इंजीनियरिंग का डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं 2023 में, तो इसका जो 10 अप्रैल तक डेट था 27 फरवरी से 2023, और लास्ट डेट था आपका 10 अप्रैल तक, और जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरे हैं इसके लिए यह गुड न्यूज़ है कि आप तैयारी में लग जाइए, और इसका एग्जाम का डेट जो आपका अटेंटिव डेट है, संभावित डेट है 30 अप्रैल 2023 को हो भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसलिए आप मान के चलिए 30 अप्रैल इसका डेट है, अभी आपके पास समय है, इसलिए आप तैयारी कीजिए और आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। चलिए, तो आप सभी जान गए, अब इसके लिए सिलेबस है, सिलेबस को भी कुछ बता देते हैं। इसके बाद आपका जितना भी प्रीवियस ईयर है आपका इस चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का प्रीवियस ईयर को 2022, 2021, 2020, 2019, 2000 ऐसी तरह के आपका जितना हो सकता है आपका 2022 से शुरू करेंगे, और आपका 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, इस तरह से 2015, इस तरह से आपका सभी प्रत्येक वर्ष का जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी क्वेश्चन को हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे विद सॉल्यूशन, और आप इससे आप तैयारी कर सकते हैं, और इससे आपका प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम आपका निकलने का 100% गारंटी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रीवियस ईयर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे बहुत जल्द, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहेंगे। चलिए सिलेबस को हम बता देते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, फिजिक्स में इतना ही आपको पढ़ना होता है। फिजिक्स का जो सिलेबस है आपका झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए आप देख पा रहे हैं, फिजिक्स में आपका क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में जो आपका है पढ़ना है वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एंड एनर्जी यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा, मेजरमेंट पढ़ना है, मापन पढ़ना है, काइनेटिक और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, रोटेटरी मोशन को पढ़ना है, रोटेटरी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशनल पढ़ना है, फिर लॉ ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाइड्रोस्टेटिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिर इंडक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडाइनमिक्स और फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वेव मोशन। तो आप मिला जुला के आपको सिलेबस आपका जो है यहाँ पर आपको सिलेबस जो देख रहे हैं क्लास 10 और फिर क्लास 11th और कुछ लेसन आपका क्लास 12 का भी है। तो आप देख पा रहे हैं फिजिक्स में आपका क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का लेसन को आपको पढ़ना है। क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 कुछ लेसन है, ज़्यादातर तो क्लास 10 और 11 से है, 12 का कुछ ही आपको है। आप क्लास 10 और 11 आप क्लास 10 तो पास आउट किए ही हैं, आप क्लास 11 का कुछ फीस को पढ़ लेंगे और 12 का आपका क्या हो जाएगा ये एग्जाम आप इसको आप क्रैक कर सकते हैं, और आपका बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस चैनल पर जुड़ कर आप इसका तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी का वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो भी आपका प्रीवियस ईयर है और इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोड होगा। अब केमिस्ट्री का देखते हैं, केमिस्ट्री का क्या क्या है पढ़ना है आपका सिलेबस देख लीजिए। एलिमेंट्स पढ़ना है, ग्रुप एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस केमिकल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मिक्सर एंड कंपाउंड्स, मोलेकुलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, एसिड, बेस, साल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, कैटलिस्ट, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन एंड गैस लॉ, वैलेंसी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोकार्बन्स, डिटर्जेंट, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव पॉलीमर्स।
ये सबको आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, जो आपका बस 10, 11 और आपका 12 ही आपको ज़्यादा, बस 10 को ज़्यादा फोकस करेंगे और 11 का कुछ लेसन और थोड़ा बहुत आपका 12 का भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए, आपका प्रीवियस ईयर कर लेने पर आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। प्रीवियस ईयर कर लीजिए 8-10 साल का, आपका ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर लीजिएगा। आप मैथमेटिक्स का सिलेबस उसको देख लीजिए, और आप देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशनल एक्सप्रेशन, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम, फिर आपका सेट्स है, रिलेशंस एंड फंक्शन है, वो टाइम एंड वर्क भी है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग टैक्स टाई टैक्स टैक्सेशन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, रेशंस एंड आइडेंटिटीज है, फिर आपका स्टैटिक्स है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा वॉल्यूम में सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। इस तरह से आपका ये लेसन है, आपका मैथ में इतना लेसन को पढ़ना है, और आपका ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना लेसन को पढ़ना है, फिर आपका इस तरह से आपका फिजिक्स का इतना लेसन पढ़ना है। तो आपको कुल मिला के आपको इतना ही जानना है कि आपका इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक को पास करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होता है, और आपको 150 एग्ज़ाम में से आपको जितना अधिक से अधिक नंबर लेके आइए, और आपको एडमिशन आपको सरकारी कॉलेज में मिल जाएगा। और इस तरह से आपको क्लास 10 आप अच्छा से पढ़ लीजिए, और क्लास 11 का कुछ क्वेश्चन लेसन को पढ़िए, और 12 का कुछ क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा एग्ज़ाम ये आपका निकल जाएगा। तो आप ज़्यादा फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर का, इसमें प्रीवियस ईयर जो आपका है, प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन होता है उसको आप कीजिए, और आपका ये एग्ज़ाम आपसे सभी आप पास कर जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स भरे हैं आप उसका आप इस चैनल पर जुड़ करके इसका तैयारी कीजिए। हम आपको बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाले हैं, पहले आपका 2022 का क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, कि आप देखिएगा 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा है, आपका 2022 का क्वेश्चन को देखिए, फिर आपका 2022 के बाद 2021 का क्वेश्चन अपलोड करेंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का तीनों सब्जेक्ट का करेंगे, फिर आपका 2020 का करेंगे, फिर आपका 2019 का करेंगे, फिर आपका 2018 का करेंगे, फिर 2017 का करेंगे, इस तरह से जितना भी हो सके 2016 का करेंगे। इस तरह से आप यदि नहीं भी कम से कम तो 5-6 साल का प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं, तो 5-6 साल का प्रीवियस ईयर कर लिए, मतलब 2022 ही है ना, तो इसमें तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 2022 से लेकर के आप 2018 से लेकर के आप 2022 तक कर लिए, या फिर 2015 से भी कर लिए, जितना आपके पास हो सके उतना आप कर लीजिए, तो प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो आपका ये एग्ज़ाम आपसे अब निकल जाएगा, और आप पास कर जाएंगे, और आपका एडमिशन झारखंड का जो सरकारी कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, और आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग आपका डिप्लोमा कोर्स आपका हो जाएगा। और इस तरह से आपका, तो ये आपका सिलेबस था, अब आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, जो आपका क्या होगा आपके लिए, फिर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आप जुड़ जाइए, और जुड़ करके आप इसका तैयारी में लग जाइए, और आपको टोटल प्रीवियस ईयर को इस क्वेश्चन चैनल पर अपलोड किया जाएगा, और आप इस चैनल पर जुड़ करके आप सभी बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा इस चैनल पर जुड़ करके, क्योंकि प्रीवियस ईयर को हम ध्यान में रखकर तैयारी कराया जाएगा पॉलिटेक्निक का। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो आपको प्रीवियस ईयर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अपलोड होगा, 2022 से शुरू स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपका जितना भी हो सके एग्ज़ाम, आपका ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है, इसमें आपका जितना हो सकता है हम आपको इस चैनल पर अपलोड करेंगे, डेट बढ़ गया तो और अच्छा है, लेकिन आप मान के चलिए कि 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना आपका सुनिश्चित है, क्योंकि अटेंटिव डेट दे दिया है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम का डेट का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।